बढ़ेंगे इस बीच और एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर आपको बता दें, चंडीगढ़ से आ रही बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक। जी हां, बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है। थोड़ी देर में शुरू होगी विधायक दल की बैठक, ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने जा रही है। आपको बता दें सीएम मनोहर लाल अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, हरियाणा बीजेपी विधायक दल की ये अहम बैठक जो है वो आज होने जा रही है सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में करीब 11 बजे। जो ये बैठक 11 बज चुके हैं फिलहाल, और ये बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है क्या? देखिए, आज जो है वो बीजेपी के विधायक दल की बैठक है, और इस बैठक में तमाम जो मोर्चे हैं बीजेपी के, चाहे वो बीजेपी का किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, तमाम जो मोर्चे, उन मोर्चों के अध्यक्ष और इसके साथ साथ जो है वो इस बैठक में तमाम जो जिले हैं उन जिलों में जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं वो बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा बीजेपी के जो हरियाणा के संगठन के जो बीजेपी के संगठन मंत्री हैं रविंदर राजू, वो बैठक में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं ओमप्रकाश धनखड़, वो भी बैठक में पहुंचेंगे। साथ ही बीजेपी के किसान मोर्चा जो हैं उसके जो अध्यक्ष हैं वो भी बैठक में शामिल होंगे। तो ये जो बैठक है इसकी आप ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरियाणा निवास में जो ये बैठक होनी है इसकी अंदर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर बैठक में तमाम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। और बीजेपी की इस बैठक के लिए किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी हरियाणा के, वो सुखविंदर मांडी मेरे साथ हैं। मांडी साहब, आज जो बैठक हो रही है तमाम विधायक जुट रहे हैं, तमाम मोर्चे जो हैं उसके अध्यक्ष जुट रहे हैं, किन मुद्दों पे चर्चा होनी है सर? आज मुद्दा तो यहाँ आने के बाद अभी पता लगेगा, बाकी हरियाणा प्रदेश की जिस प्रकार की परिस्थितियाँ अभी है, विधायकों के जिस प्रकार की समस्याएं लोगों की उनके सामने आ रही हैं, या संगठन के नाते से जिस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उन सब बातों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी से एक विशेष ये बैठक यहाँ आयोजित की गई है, और इसमें सब चर्चाएं उनके प्रकार से होंगी। सरकार की योजनाओं को निचले स्तर पर पहुँचाना और सरकार के कामकाज का फीडबैक लेना और विधायकों से सुझाव लेना, इन तमाम चर्चा रहेगी। जी जी जी, सारा सारा, जिसमें मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी समस्याएं अब तक हम लोगों के सामने आती हैं, हम भी प्रवास पे रहते हैं संगठन के नाते से, विधायकों के सामने समस्याएं आती हैं, सरकार की जो नई योजनाएं हैं जिनको हम नीचे तक लेके जा सकते हैं, या पिछली जो योजनाएं हैं जो अधूरी हैं, या कई घोषणाएं इस प्रकार की जो विधानसभाओं के हिसाब से अधूरी हैं, उन सबको पूरा जल्द से जल्द करवाने की बातें होंगी। बाकी अन्य कोई विषय चर्चा होगी वो सारा माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। सवाल है किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसानों का आंदोलन चल रहा है पूरे देश में और हरियाणा खासतौर पर उससे प्रभावित है, क्या आप इस मुद्दे पर भी बातचीत अगर होती है तो रख लेंगे पक्ष इस मामले में? देखिए, इस मामले में स्पष्ट तौर पे एक बात है कि ये 80% देश का किसान, जो 2.5 एकड़ से कम की जोत का किसान है, उसके लाभ के लिए ये तीनों बिल लेके आए हैं। किसी कीमत पे इन बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा। उन 80% किसानों की, जिनकी समय अनुसार आजादी के बाद से लेके और अब तक जिनकी जमीन घटती गई, आर्थिक रूप से वो नुकसान होता गया, उन सब लोगों को लाभ देने के लिए कानून बनाए गए हैं। अगर किसी प्रकार के जो सुझाव अगर हैं वो संगठनों की तरफ से स्वीकार्य है, और इसी प्रकार से यहाँ भी कोई बातें अगर रखी जाएगी तो इसी विषय पर रखी जाएगी। जी, देखिए सुखविंदर मांडी जो बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ थे। आप देख सकते हैं तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं वो बैठक में मौजूद हैं, और जो महिला मोर्चा है बीजेपी का उसकी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बैठक में पहुंची हुई हैं। तो ये जो बैठक है ये थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं वो बैठक के लिए पहुंचे हैं, और बैठक में जो है वो तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा आज होनी है। और इसके साथ ही जो बैठक है, इस बैठक में जो विभिन्न जो जिले हैं हरियाणा के उनके जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो भी पहुंचे हैं, और बैठक में तमाम मंत्री विधायक जो है वो भी पहुंचे हैं। और बैठक की जो शुरुआत है, यानी औपचारिक तौर पे जो बैठक है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। ये जो है वो बैठक के अंदर की तस्वीरें हैं जो आप देख रही हैं, यहाँ पर किस तरह की तैयारी जो है वो की गई है ये आप देख रही हैं। तो बैठक में तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है, और ये बैठक जो यहाँ होनी है इसको लेकर जो तैयारी है वो आप देख सकते हैं, किस तरीके से जो तैयारी है वो की गई है। ये मुख्यमंत्री जो है वो सामने वहाँ मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री के साथ जो है वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे, उस साथ ही बीजेपी के जो संगठन मंत्री हैं रविंदर राजू वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे, और सामने जो डिस्प्ले जो लगाई गई है, जो डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं, उनके जरिए जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के जो प्रचार के लिए जो पत्र हैं
वो यहाँ पर जो पैम्पलेट बुक्स जो है वो भी विधायकों को जिला अध्यक्षों को दी जाएगी और ये तमाम चर्चा जो है वो इस आज जो बैठक है इसके अंदर होने वाली है। बैठक में जो है वो तमाम जो जिला अध्यक्ष और जो विधायक है वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचेंगे, संगठन मंत्री रविंद्र राजू पहुंचेंगे, उसके बाद ये बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। जाहिर तौर पर क्योंकि अभी क्या और मुद्दे रह सकते हैं ये बैठक के बाद जो है वो यहाँ पर पता चलेगा पवन, क्योंकि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव पर भी चर्चा होनी यहाँ पर बताई जा रही है कि संभावित है, और जाहिर तौर पर कई अन्य मुद्दे जिन पर अभी जानकारी जो है वो नहीं मिल पा रही है वो क्या रहेंगे, और साथ ही जमीनी स्तर पर किस तरीके से जो कामकाज सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें किस तरीके से मजबूती आगे दी जाए, या क्या कुछ योजनाएं जो हैं सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश भर के लिए चलाई जाएंगी उसकी भी जानकारी जो है वो यहां पर साझा की जाएगी। जी बिल्कुल, जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं पर फीडबैक जो है वो लिया जाएगा, और साथ ही साथ हरियाणा में जो आने वाले समय में जो पंचायत के चुनाव की तैयारियां जो हो रही है, जिलों में जो पंचायत के चुनाव को लेकर ड्रॉ निकाले जा रहे हैं, और पंचायत के चुनाव फरवरी मार्च 2021 में होने थे लेकिन उनमें अभी जो है वो देरी हुई है, लेकिन आगे पंचायत के चुनाव करवाने को लेकर संगठन क्या नजरिया रखता है, विधायक जो है वो क्या सुझाव देते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हलचल है वो पूरे तरीके से जो है वो तेज हो चुकी है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद ये बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। बैठक में जाहिर है कि सरकार की योजनाओं का फीडबैक जो है वो लिया जाएगा, उन योजनाओं के फीडबैक के साथ साथ जो है वो जो पंचायत के चुनाव हैं या फिर किसानों का मुद्दा है उन मुद्दों के ऊपर भी बातचीत जो है वो हो सकती है। तो तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर जो है वो बैठक में चर्चा होगी। आप देख सकते हैं हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता वो बैठक में पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के तमाम विधायक जो वो बैठक में आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो बीजेपी के जो किसान मोर्चा या फिर तमाम जो हैं उन मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं वो बैठक में पहुंच चुके हैं। ये जो बैठक है वो आज की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो इस लिहाज से है क्योंकि सरकार की योजनाओं के फीडबैक के साथ साथ इस बैठक में जो है वो पंचायत चुनाव हैं, किसान हैं, इनके अलावा जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है। जी हालांकि अभी फिलहाल जो जिस तरीके से किसान आंदोलन जो है वो यहाँ पर चल रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये यहाँ पर बना हुआ है, हालांकि दूसरी तरफ कोरेगांव का मामला भी जो है वो काफी ज्यादा हुआ हुआ है, तो ऐसे में अब बहुत जरूरी है कि जमीनी स्तर पर किस तरीके के मुद्दे जो है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और किस तरीके की चीजें हैं जो सरकार के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर समझना, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जो कि एक बहुत बड़े फीडबैक के तौर पर या मुख्यमंत्री के सामने भी रखे जाएंगे, और आगे किस तरीके की रणनीति जो है प्रदेश के विकास को लेकर वो यहाँ पर तमाम जो तमाम विधानसभाएं हैं वहां पर वो की जाए ताकि जो विकास है प्रदेश का समग्र विकास जो है वो यहाँ पर किया जाए, और किस तरीके से कोई नई योजना को लेकर अमलीजामा जो बनाया जाएगा तमाम पूरे हरियाणा में इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं खासतौर पर की जा सकती है, क्योंकि आज तमाम विधायक और जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में, इस महत्वपूर्ण बैठक में पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, बैठक में तमाम जो जिलों के अध्यक्ष हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। देखिए पंचकुला के जो जिला अध्यक्ष अजय शर्मा हैं, इसी तरीके से सिरसा से जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो हैं आदित्य चौटाला हैं, ये तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं ये बैठक में पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के विधायक और संगठन के अन्य जो मोर्चे हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वो बैठक में शामिल हैं, लेकिन इस बैठक में सरकार की जो अब तक की कार्यशैली है, सरकार की जो अब तक की योजनाएं हैं उन योजनाओं पर क्या फीडबैक जो है वो विधायक रखते हैं, उन योजनाओं को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, खासतौर पर मुख्यमंत्री ने जो गरीब परिवारों के लिए जो उत्थान योजना शुरू की है, यानी जो अति पिछड़े गरीब परिवार हैं उनके लिए जो मुख्यमंत्री की योजना है, या फिर परिवार पहचान पत्र है, या जन सहायक ऐप है, इन तमाम डिजिटल जो माध्यम से चलने वाली जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के साथ संगठन के और सरकार के जो विधायक हैं सत्ता पक्ष के उनका किस तरह से वो सहयोग करें, कैसे उनको निचले स्तर पर लेके जाएं, और साथ ही साथ जो है वो आगामी जो रणनीति है चाहे वो विधानसभा का एलनाबाद का उपचुनाव होना है या फिर पंचायत के चुनाव होने हैं
या फिर जो जिला परिषद के चुनाव होने हैं, नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, उनसे संबंधित जो तमाम आगे की रणनीति क्या रहे उसके ऊपर जो है वो इस बैठक में फीडबैक लेते हुए विधायकों से जिला अध्यक्षों से सुझाव लेते हुए चर्चा जो है वो हो सकती है। आप देख सकते हैं तमाम मंत्री जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री पहुंचे हुए हैं, जयप्रकाश दलाल जो है वो हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से तमाम जो मंत्री विधायक हैं वो बैठक के लिए पहुंचे हैं और इस बैठक में तमाम मुद्दों के ऊपर, महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। सर, आज संगठन के नजरिए से और सरकार और संगठन के सहयोग के नजरिए से महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है? देखिए, ये विषय तो हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष या संगठन मंत्री उनको जानकारी होगी, कोई ना कोई महत्वपूर्ण विषय है तभी सब लोगों को इकट्ठे बुलाया। सरकार की तमाम योजनाओं पर फीडबैक लेना जाहिर सी बात है सर, चर्चा में रहेगा। अब देखिए, ये तो अभी तक तो कल्पना है कि क्या होगा, लेकिन पूरी जानकारी तो स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी दे सके। देखिए, जो है वो ज्ञानचंद गुप्ता भी यही कह रहे हैं कि बैठक की जो पूरी जानकारी है वो जब बैठक शुरू होगी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री है उनकी तरफ से दी जाएगी, लेकिन चर्चा जो है वो किन मुद्दों पर होगी ये बैठक शुरू होने पे साफ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि बीजेपी के तमाम जो जिलों के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जो संगठन के जो प्रदेश के जो मोर्चे हैं उन मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें बुलाए गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं उनको बुलाया गया है। ये तमाम जो विधायक और जिला अध्यक्ष और जो विभिन्न जो मोर्चे हैं बीजेपी के हरियाणा के, उनके अध्यक्ष इस बैठक में शामिल रहेंगे। सरकार की योजनाओं घोषणाओं के साथ साथ कामकाज के ऊपर चर्चा होना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही आगामी रणनीति संगठन और सरकार की क्या हो उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। एक बार फिर आप देखिए, डिजिटल माध्यम को भी इसमें जो है वो शामिल किया गया, यानी जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, यानी जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उस स्क्रीन के माध्यम से भी जो तमाम जो योजनाएं हैं उनका जिक्र जो है वो यहाँ पे होगा। और आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर सरकार की योजनाओं से घोषणाओं से संबंधित जो बुकलेट है वो भी रखी गई है, तो उन बुकलेट को भी जो है वो विधायकों को दिया जाएगा। ये देखिए, पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 600 दिन के कार्यकाल के पूरा होने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो 600 दिन के कार्यकाल से जुड़ी हुई जो सरकार की जो बुक है, यानी जिसमें घोषणाओं का या फिर जो 600 दिन में लिए गए फैसले हैं उनका जो जिक्र है उनके ऊपर भी चर्चा जो है वो होगी कि किस तरीके से सरकार ने तमाम जो फैसले लिए हैं 600 दिन में कैसा कार्यकाल रहा है, इसके ऊपर जो है वो चर्चा आज की इस बैठक में हो सकती है। जी बिल्कुल पवन, आप इस खबर पर, इस बैठक पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस बैठक को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी।